गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग की वजह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक न्यूज को बताया। जवाब से नाखुश कांग्रेस ने वॉकआउट किया। एमएसपी फॉर्मूले पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ संसद परिसर में नारेबाजी। आरटीआई संशोधन बिल पर कांग्रेस भड़की। राहुल गांधी बोले, संशोधन हुआ तो कानून खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों का दूध आंदोलन चौथे दिन भी जारी। मुंबई में बारिश के बाद दूध की तंगी की मार। असम लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में बीजेपी सांसद आरपी शर्मा की बेटी पल्लवी समेत 19 अधिकारी गिरफ्तार। उत्तराखंड के टिहरी में बस खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 20 जख्मी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, भारी पैमाने पर हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा हादसे में अब तक 9 लाशें बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी, बिल्डर समेत 4 लोग गिरफ्तार। कठुआ रेप और मर्डर केस में अभियुक्तों के वकील असीम साहनी को जम्मू कश्मीर में एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, महबूबा ने हैरानी जताई। और तुर्की में 2 साल पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद लगी इमरजेंसी खत्म, सरकार ने ऐलान किया।